सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं ईशु और शिल्पा हम तीनों जा रहे हैं एक बहुत बड़ी सी गाड़ी की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे आसपास ही. तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक मिनट मुझे ईशु के लिए जो है एक छोटी सी बड़ी सी गाड़ी चाहिए ताकि मैं ईशु के साथ सेफ फील करूँ उसमें. और तो आज हमारी पहली टेस्ट राइड है एंड वी विल कीप यू अपडेटेड एंड आई विल सी यू इन द कार. बाय लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रही वो गाड़ी जिसकी आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं. इट्स अ ब्लडी बीस्ट, इट्स अ मॉन्स्टर. और आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी 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 एक्साइटेड. सो दिस इज द व्हीकल. ये इतनी बड़ी है कि मेरे पूरे उसमें आ भी नहीं पा रही है. हाँ हाँ हाँ, वो बॉम्बे की सड़कों पे आई एम श्योर इससे लोग डरेंगे होपफुली. लेट्स राइड अ गाइस. फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है देख के? मुझे बस इतना पता है कि एज अ फादर यू आर गोना बी सो हैप्पी इन अ कार लाइक दैट, बिकॉज़ जब से ईशु हमारी लाइफ में आई है fear set in ho gaya hai. So excited to sit in a bigger car and SUV. चलो इससे लोग डरेंगे. सो देखते हैं लोग कितना डरते हैं, देखते हैं हम कितना डरते हैं. इसको हम नीचे कर लेते हैं और इसको हम डाल लेते हैं रिवर्स पे. रिवर्स का कैमरा भी दिख रहा है. इसका शीशा में थोड़ा सिटी में ट्रैवल करना है. बट अब मैंने रियलाइज कर रहा हूँ कि लैंड रोवर को बेचना वाज अ मिस्टेक. बट ये नॉर्मल जो है आपकी ट्रक इतनी ऊपर नहीं रहेगी, बिकॉज ये इतनी आफ्टर इतनी ऊपर है बिकॉज ये आफ्टर मार्केट टायर्स हैं. तो थोड़े से मुझे लग रहा है कि शायद दो तीन इंच आई थिंक कुछ 232 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है सर. राइट. एंड ये है ऑटोमेटिक वर्जन ना भाई? यस, ऑटोमेटिक फुल फिट. एंड इसका जो मैनुअल है उसमें कितनी वेटिंग है? इसे गाड़ी मिल जाएगी आप कलर अराउंड 45 टू 60 डेज में मिल जाएगी. 45 टू 60 डेज बट ऑटोमेटिक ज्यादा जल्दी. ऑटोमेटिक ज्यादा जल्दी. पावर मोड ऑप्शन भी है सर. ओके, सो ये पावर मोड एज इन अभी मैंने पावर मोड एक्टिवेट किया. ओके, एज इन फास्टर जिससे जाती है गाड़ी, जिसमें टॉर्क ज्यादा जनरेट. ऑलरेडी इसमें जो टॉर्क जो है 500 Nm का टॉर्क है सर. राइट. एंड 204 PS का पावर है. अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हम पावर मोड या सिटी में चला तो हम इको मोड चला. इको मोड चला सकते. तो ये है मामला. इसको बड़ी हाइट आई श्योर इतनी रहेगी? यस सर. अगर आपके मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आप स्पीड में हो आपको इंस्टेंट पिकअप लेना है तो आप नहीं ले सकते क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से उसका गियर शिफ्टिंग होती है सर आरपीएम पे लेवल पे. लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्विकली कर सकते हो, उठा सकते हो. सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, कैसा लग रहा है बेबी आपको? इशू को तो समझ में नहीं आ रहा है. इशू तो नाइस, वी लाइक इट. पीछे की इश्यूज़ जो आपने वो करा था ना, तो पीछे रिक्लाइन बहुत ज्यादा वैसे नहीं होता, बट पीछे कंफर्ट वाइज कैसा है? इट्स वेरी नाइस. इट्स वेरी नाइस. Nice, and I love the power also, yeah. 500 and NM, na? Rock. Nice brakes also, yeah. Chalo, dhari se loot turn wa le le kya? Acha, ye idhar hai. आप
आपको चलाने में ऐसा लग रहा है यू ड्राइविंग अ वेरी बिग एंड बल्की कार? यार ऑनेस्टली मुझे जो लेंथ है गाड़ी की वो उतनी पता नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरी आदत है ना वो चलाने की, लैंड रोवर चलाने की आदत थी अपनी, बट हाइट बहुत है इस गाड़ी की और हाइट से मजा आ रहा है एक्चुअली यार. आप ऐसा लग रहा है बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं ना, लिटरली वैसे हो रहा है कि भाई आप ऐसा लग रहा है कि ये स्टीयरिंग इज नॉट बैड, थोड़ा सा स्टिफ, हाँ थोड़ा सा बट टॉलरेबल उसमें, नॉट लाइक इन वे कि आप बोलो कि अरे यार ये कि मैं क्या चला रहा हूँ. पीछे आपको गड्ढे पता लग रहे हैं? आई मीन जो थोड़े बहुत ऐसी गाड़ियों में पता चलते हैं, बट नॉट नॉट टू मच. सो गाइज ये है नितिन जो हमें पूरा लोडाउन दे रहे हैं टोयोटा हाइलक्स का. थैंक यू सो मच कि इन्होंने इतने कम नोटिस पे जो है हमें गाड़ी अवेलेबल कराई है. सो वी आर थिंकिंग अबाउट इट और अभी तक तो मुझे मजा आ रहा है गाड़ी ड्राइव करने में. ये रही शिल्पा, ये रही इशू, ये जितनी भी मेहनत हो रही है मैंने वही नितिन से कहा, मैंने कहा हमारे एक्चुअली गाड़ी की जरूरत नहीं है, बट ये इशू के लिए मेहनत हो रही है क्योंकि आजकल लोग इतने अग्रेसिव हो गए हैं यहाँ पर. आप देखिए ऑपोजिट साइड में ये बंदा जो आ रहा था ये लिटरली हमारी डायरेक्शन में आ रहा था एंड ही मूव्ड अवे ओनली बिकॉज आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं. इस गाड़ी को देख के लोग वैसे ही थोड़े से पहले ही थोड़ा सा यू नो केयरफुल होके मूव अवे हो जाते हैं. सो दिस इज द एडवांटेज और आई थिंक इसकी ऑन रोड कॉस्ट इज 47. इसकी ऑन रोड ऑटोमेटिक की ऑन रोड कॉस्ट इज 47 और इसमें बहुत सारी वैसे भी फीचर्स है. डिफरेंशियल लॉक है जो आप अगर आप कभी हार्डकोर ऑफ रोडिंग में करते हो और आपको कभी जरूरत पड़े सो दिस कार विल नेवर एवर गेट स्टक. तो ये है मैं नितिन का नंबर, आपका नंबर शेयर करना चाहिए उन लोगों के साथ कि इनकेस एनी इफ यू वांट टू बाय दिस कार आप लोग शेयर कर सकते हो, आपको टेस्ट ड्राइव भी मिल सकती है करेक्ट. और आप लोग यार नितिन के थ्रू गाड़ियां खरीदेंगे अगर हम लोग तो आई एम श्योर कंपनी विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी. सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच गाइज और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं. थैंक यू. तो ये था हमारा आज का दिन जो हमने आपके साथ बताया और फाइनली हमने उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया जो अपूर्व को बहुत ज़्यादा पसंद है. बट ऑब्वियसली एक इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले वी हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर ऑल द एंड्स. तो अब अपूर्व इज गोइंग इनटू हिज सेकंड फेवरेट पार्ट ऑफ द जॉब व्हिच इज द रिसर्च पार्ट ऑफ इट. अब अपूर्व पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, द सेफ्टी ऑफ इट, द कम्फर्ट ऑफ इट, द रिलायबिलिटी ऑफ इट. वो सब करने के बाद अगर सब कुछ टिक 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 होता है तो फिर पतिदेव विल फिगर इफ वी नीड टू प्रोसीड विद दैट कार और नो. बट ऑफकोर्स नथिंग लाइक बींग इन अ बिगर कार. और मैं आज आप लोगों से एक कन्फेशन करना चाहूँगी और वो कन्फेशन ये है कि जब इशू की दुनिया में आते ही वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी बॉट वॉज द कार सीट, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो चीज़. ऑब्वियसली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन अ कार सीट. एंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स हमें पता है उसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू नो वो जो इंसिडेंट हमारा हुआ था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर व्लॉग, उस दिन हुआ ये कि क्योंकि आई सॉ दैट क्रेन सॉर्ट ऑफ क्रीप इन टू द कार, मैं अपने रिफ्लेक्सेस में इशू को लेकर जंप कर पाई ऑन दी अदर साइड. और यू नो क्योंकि हम बीच में थे तो आई कुड पिक हर अप एंड आई कुड गो ऑन दी अदर साइड जब वो क्रेन घुस रही थी गाड़ी के अंदर. और उस दिन के बाद मेरे दिमाग में एक इट्स आई एम अलाउइंग माई सेल्फ द टाइम एंड आई नो कि अब वो टाइम चला गया है, बट मैं डर गई थी और मैंने कहा यार अगर वो कार सीट में होती उस वक्त और कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होता तो मैं उसे लेके नहीं पलट पाती ऑन दी अदर साइड जो मैं उस वक्त कर पाई थी. सो ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ थॉट एंड कभी कभी अपने आप को अलाउ करना चाहिए यार, हम इंसान हैं. ये गलत सोच है मेरी बिकॉज नथिंग मोर सेफ देन अ कार सीट. बट क्योंकि मैं उस वक्त इशू को लेकर आई कुड लीप ऑन द लेफ्ट एंड इट डिड हेल्प, तो मेरे ना थोड़े दिन के लिए मेरे अंदर वो आ गया था कि मैं इशू को अपनी गोद में ही रखूंगी. एंड अपूर बहुत ज़्यादा धीरे चलाते हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली विजिलेंट नाउ, लेफ्ट राइट सब जगह देखते रहते हैं. तो मुझे अंदर ये था कि मैं आई विल बी एबल टू डू
better job than a car seat. But now I'm finally over it and tomorrow hum car seat lagane wale hain. And again, apologies to a lot of you जो मेरे ख्याल से time and again कह रहे थे कि car seat लगाओ, car seat लगाओ. हम जानते हैं, हम समझते हैं और हमें पता है कि उस car seat की कितनी अहमियत है. I was just allowing myself that little time. Now I'm done with it, I'm over with it. इतना कभी कभी अपने आप को allow करना चाहिए. And कल car seat लगेगी, so I think we're going to begin with a couple of those things only. Until then, प्यार देते रहिए, bless करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए पति देव को, हॉली को, ईशु को, मुझे. We love you so much and हम जो भी हैं awesome अग्निहोत्री इस वक्त सिर्फ आपकी blessings की वजह से हैं, because your blessings are par excellent. So thank you so much for everything. We love you all. हरि ओम, ओम नमः शिवाय, bye.